ये तुम अकेले खाना क्यों बना रही हो? कहाँ है मुस्कान? पता नहीं, वो कुछ टाइम पहले किचन में आई थी, मैंने उससे मना कर दिया। पापा बस खाना ही तो बनाना है, मैं बना लूंगी। क्यों, किस चीज पे इतनी हिमायत की जा रही है उसकी? हाँ, उसको कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती है। अरे आखिर वो भी बहू है इस घर की, ये क्या तरीका है? अस्सलाम वालेकुम फूफो। शुक्र है कि तुम्हें भी किचन में आने का एहसास हुआ। मुस्कान देखो, जैसे तबस्सुम इस घर की बहू है ना, वैसे तुम भी इस घर की बहू। तुम देखो तबस्सुम को, सुबह सुबह उठती है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती है, सारे काम करती है। अब तुम्हें भी सीखने हैं उससे काम, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, तुम बहू हो इस घर की। जी पुपो। पुपो, मैं कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं करनी है, अब तुमने अपने पूरे काम करने हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले, समझ आ गई तुम्हें? पुपो आप परेशान ना हो, मैं मुस्कान को सब कुछ सिखा दूंगी। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ सीख जाएगी। तुम फिर कर रही हो ना उसकी हिमायत? मना किया था ना तुम्हें मैंने? वैसे भी अब्बा जी ने और रियान ने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है, देखती नहीं हो तुम? कुछ बोलते ही नहीं है इसको, ये है इस घर की बहू। गैर जिम्मेदार। ये पुप्पो जी भी ना बस किसी बात के पीछे पड़ जाए तो शामत ही आ जाती है। तुम भी ना बिल्कुल अलग हो। अगर पुप्पो ने मुझे इतना डांटा होता ना, तो अभी तक रो रो के मेरी बुरी हालत हो जानी थी। भाभी, यही तो कमजोरी है आपकी, आपकी इसी कमजोरी से सब फायदा उठाते हैं। अच्छा बताएं, करना क्या है? कुछ नहीं, बस खाना ही तो बनाना था, मैं बना लेती हूँ।